साल का आखिरी दिन भी है और नए साल की शुरुआत भी, तो क्यों ना इसे मीठे के साथ ही खत्म और शुरू भी किया जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल के हलवे की रेसिपी, तो शुरू करें। मूंग दाल का हलवा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग दाल ली थी, जिसको मैंने भिगो दिया था। ये मैंने सादे पानी में भिगोया था, कोई गुनगुना या गर्म पानी नहीं लिया हुआ है। और इसे मैंने करीब 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया था और उसके बाद मैंने इसे स्ट्रेनर में डाल दिया था, तो इसका पानी बिल्कुल निकल गया है। तो पहले मैं इसे एक बार पीस लेती हूँ। इसे पीसने के लिए एक चीज़ का मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमें ज़रा भी पानी यूज़ नहीं करना है, और अगर दाल में पानी है तो हमें स्ट्रेनर से पानी सारा निकाल देना है। उसी के साथ आपको पल्सेस में पीसना है, जिसकी वजह से हमें दरदरा सा जो हमें कोर्स वाला टेक्सचर चाहिए वो मिलेगा। वरना अगर हम इसे कांस्टेंट पीसेंगे तो पाउडर या बिल्कुल जो हम आटे का हलवा खाते हैं वैसे वाला हो जाएगा। तो इसे मैं एक बार पल्सेस में पीस लेती हूँ। तो मूंग दाल को मैंने यहाँ पर पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिना पानी के मैंने इसको पीसा हुआ है, और आप अभी देख सकते हैं बिल्कुल ही ये ड्राई है। और इसी के साथ ये कोर्सली पिसा गया है जैसा मुझे चाहिए था, हल्का सा दानेदार। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी, तो अब उसी के साथ यहाँ मैं 3/4 कप जितना घी ले रही हूँ, ये देसी घी है। तो आइए जल्दी से इसे बना लेते हैं। तो हलवा बनाने की शुरुआत करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट सा काम कर लेती हूँ, और वो है मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, जिसे यूज़ करने के लिए हमें हल्का सा गर्म दूध या गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं हलवे में दूध यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं उसी के लिए ये चुटकी भर जितना केसर है वो डाल रही हूँ। केसर को अगर गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में डाला जाए और फिर इस्तेमाल किया जाए ना, तो उसका मज़ा ही दुगना हो जाता है, खुशबू डबल हो जाती है, उसी के साथ फ्लेवर और फैल जाते हैं। तो इसे एक बार हल्का सा गुनगुना हो जाने देते हैं हम। तो दूध हल्का सा गुनगुना हो गया है, केसर के धागों ने अपना कलर भी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसे रख देते हैं एक बार साइड पर, और अब बना लेते हैं हलवा। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन लिया हुआ है, और उसी के अंदर मैं 3/4 कप जितना घी डाल रही हूँ, यानी कि करीब 150 ग्राम जितना। आगे ज़रूरत रही तो हम ज़रूर डालेंगे, पर एक बार ट्राई करते हैं थोड़ा सा कम घी यूज़ करने की। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये जो हमने पीसी हुई दाल है, आप देख सकते हैं दाल का टेक्सचर, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। तो जैसे ही घी के अंदर हम ये दाल डालते हैं ना, फटाफट से उसे मिक्स करना शुरू कर दीजिए, वरना ये जो दाल है नीचे से चिपक जाएगी और एक बाइंड कर लेगी, और उसी के साथ इसमें लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ की है, आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, और उसी के साथ आप चाहे तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें कॉन्स्टेंट स्टर करना पड़ता है। नॉनस्टिक कढ़ाई में चिपकने का डर बहुत ही कम रहता है, और मुझे वही होता है हमेशा कि भाई इन केस कोई बीच में काम आ जाए तो हम इधर उधर मूव कर सकते हैं, ना कि हम कांस्टेंट कढ़ाई के पास गैस के पास खड़े रहे। तो मैंने अभी यहाँ पर नॉनस्टिक तवा ही यूज़ किया है, नॉनस्टिक कढ़ाई ही यूज़ की है, इसे कांस्टेंट स्टर करते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये किस तरह से चिपकना शुरू हो गया, तो ये जल्दी से इसे स्टर करना है। अब हमें इस तरह की गुटलियाँ ना बने, इस तरह की एक लेयर सी ना बन जाए उसके लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाल है उसने पूरा का पूरा घी सोख लिया है। शुरुआत में तो मुझे भी लग गया था एक बार कि घी थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, दाल ने पूरा घी सोख लिया है। और अब इस घी के साथ साथ ये दाल जब भूनेगी ना, तो उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होगा, इसका स्वाद बहुत ही अलग सा आएगा, उसी के साथ इसकी खुशबू इतनी होगी कि बस बन जाए और फटाफट से खा ले। तो इसे इसी तरह से एक बार भून लेती हूँ मैं। हलवा बनाते टाइम बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, कांस्टेंट स्टर करते रहना है इसे, वरना ये चिपकना शुरू हो जाएगा। हलवा खाने के जितने मज़े हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये जो दुख है ना कि हलवा हिलाने का काम, सच में आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। तो इसे कांस्टेंट इसी तरह से भूनते रहिए। बोलना बहुत आसान है, सच में बहुत तकलीफ हो रही है अभी मेरे हाथों को ये मिक्स करते करते। अभी हलवे का कलर तो चेंज हुआ है, उसी के साथ साथ हलवा हिलाने में भी बहुत हल्का सा हो गया है, बिल्कुल लाइट वेट हो गया है।
हालांकि ये लाइट वेट हलवा हमारा वेट ज़रूर बढ़ाने वाला है, बट हाँ अभी हम वो नहीं सोचेंगे, अभी हम हलवे को हल्का और करेंगे। इसका कलर भी हम थोड़ा सा गोल्डन साइड ले जाएंगे। तब तक हमें हलवे को मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है, और उसके पहले अभी हमें कोई इंग्रेडिएंट और ऐड नहीं करना है जब तक कि इसका एक पर्टिकुलर लेवल तक कलर चेंज ना हो जाए। अभी ये दाल जो सीख रही है ना, तो मुझे ना एक चीज़ की याद आ गई, मुझे वो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। जब हम बच्चे हुआ करते थे ना, तो मम्मी पापा हमें दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में ले जाया करते थे, और उस रेस्टोरेंट का नाम आज की डेट में बहुत ही जाना माना है। तो वहाँ जैसे ही मैं एंटर होती थी ना, तो इतनी बढ़िया इस हलवे की खुशबू आती थी विंटर सीज़न में जब हम जाते थे तो। और मेरा बस एक ही मेन्यू होता था कि मैं 2-3 प्लेट ये लेके खाती थी, मूंग दाल का हलवा। और उस रेस्टोरेंट का नाम है हल्दीराम का रेस्टोरेंट। तो मुझे अभी वही याद आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि वही हल्दीराम के रेस्टोरेंट में मैं एंटर हो रही हूँ, और वही अभी प्लेट भर के पापा मेरे लिए वो मूंग दाल का हलवा ले आएंगे। तो अभी जल्दी से मैं इसे बना लेती हूँ और फटाफट से मैं खुद ही इसे सर्व करके खा लूँगी। दाल है जो बहुत ही अच्छे से सिख गई है, आप देख सकते हैं घी भी ऊपर आ गया है। तो इसी टाइम पर सबसे पहले मैं एक बार गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ, और अब हम डालेंगे इसके अंदर दूध। पर ये दूध डालने से पहले मैं अपना जो सेफ्टी गार्ड है वो तैयार कर लेती हूँ, और सेफ्टी गार्ड मेरा ये है कि मैं इस ढक्कन को रखूँगी, इस तरफ रखूँगी, ताकि अगर छींटे उड़ते भी हैं तो सामने की तरफ जाएंगे, मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। तो इस तरह से करके मैं इसके अंदर दूध डाल देती हूँ, हालांकि बिल्कुल छींटे नहीं उड़े, रीज़न बस एक ही था कि मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया था। भाई ध्यान रखिए, खाना अच्छा बनाना है, अच्छा खिलाना है, पर खुद को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बस अब इसे कांस्टेंट स्टर कर लीजिए पहले एक बार। इसको मिक्स करने का रीज़न एक है कि अगर मैं गैस ऑन करने जाऊंगी और हीट बढ़ गई तो उस टाइम पर होता क्या है कि लम्स बन जाते हैं। तो अभी मैं पहले इसे एक बार स्टर करके मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद गैस टर्न ऑन करूँगी। बस अब कर लेती हूँ गैस को टर्न ऑन, और अब हम इसे करेंगे कांस्टेंट स्टर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे इसे हम। गैस की फ्लेम अभी लो है। अब इस हलवे को हमें दूध के अंदर सेकना है, पर उसके पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच जितनी मलाई, ये फ्रेश वाली मलाई है, क्योंकि हमने यहाँ पर खोया यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमें ये इंग्रेडिएंट का यूज़ करना पड़ रहा है। अगर आपके पास खोया है, आप खोया यूज़ कर रहे हैं, तो मलाई की या दूध की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, पर क्योंकि मेरे पास ना खोया है ना मैंने उसको लाने की ज़रूरत समझी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मलाई को यूज़ किया हुआ है। बस अब हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर से घी नहीं निकल आता है और इसका कलर चेंज नहीं होता, उसी के साथ हमारा हलवा नहीं पक जाता है। तब तक हम फिर से मेहनत करते रहेंगे। दूध डालने के बाद मैंने हलवा फिर से करीब 5-7 मिनट के लिए सेका है, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज तो हो ही गया है, उसके साथ उसके अंदर जो मॉइस्चर हो गया था दूध का वो भी ख़त्म होने आया है, और साथ ही में हल्का हल्का सा घी भी निकलने लगा है। पर इसे मैं थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी। शुरुआत में जब मूंग की दाल मैंने सेकी थी तो वो करीब 12 से 15 मिनट के लिए सेकी, उसके बाद जो ये दूध के साथ मैंने मूंग की दाल को सेका है वो करीब 5 से 7 मिनट के लिए सेका है। अभी चीनी के साथ हमें सेकना और बाकी है, तो करीब ये हलवे को 30-35 मिनट आराम से लग जाते हैं। थोड़ी मेहनत ज़रूर पड़ती है, पर घर का हलवा खाने को मिलता है। हलवे के अंदर से घी निकलने लगा है, तो ये ऑलमोस्ट सीखने आया है। अब मैं ज़्यादा इसको नहीं भूनने वाली हूँ, तो इसी टाइम पर यहाँ पर मैं ये जो कटी हुई बादाम है वो, और उसी के साथ ये कटे हुए पिस्ते हैं वो डाल दिए हैं मैंने, और उसी के साथ यहाँ पर मैं ये इलायची पाउडर है वो भी डाल रही हूँ। और अब मैं इसे 2 मिनट के लिए और भून लेती हूँ, ताकि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसी के साथ इलायची है ये सब कुछ और सीख जाए, इनके फ्लेवर और बदल जाए। ड्राई फ्रूट वैसे सिके हुए होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप थोड़े से टुकड़े बड़े रखते हैं तो आप पहले से ही सेक लीजिए इसको घी के अंदर। मैंने टुकड़े बहुत छोटे रखे हुए थे ना, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से
मूंग की दाल के अंदर सेकना प्रिफर किया है। तो अब यहाँ पर मूंग दाल बहुत अच्छे से सिक गई है, दूध भी अच्छे से सोख गया है और घी आप देख सकते हैं बाहर आने लग गया है। मैंने घी और ऐड नहीं किया है जितना हमने डाला था। हाँ, उसके बाद हमने जो मलाई डाली थी उसकी वजह से घी ज़रा सा बाहर आ गया है। तो बस अब लास्ट में ऐड कर देते हैं हम चीनी। तो ये गई चीनी, चीनी मैं यहाँ पर 3/4 कप जितनी डाल रही हूँ। वैसे जितनी हमने दाल ली है उतना ही हमें चीनी का यूज इस्तेमाल करना होता है, पर मुझे थोड़ा सा हलवा कम मीठा होता है ना तो पसंद आता है। ये ज़रूरत से ज़्यादा मीठा हो जाता है तो फिर हलवे का जो अपना फ्लेवर होता है, जैसे कि मूंग की दाल का खुद का फ्लेवर होता है, वो चला जाता है, कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो मैं चीनी का लेवल थोड़ा सा कम पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने 3/4 डाली। आप चाहो तो इसको पूरा 1 कप डालिएगा। बिल्कुल वही टेक्सचर आया है जो मैं हल्दीराम में खाती थी, जो मैंने अभी आपको बताया हलवाई का होता है या बाहर खाते हैं हम जो शादियों में खाते हैं, बिल्कुल वही वाला टेक्सचर आया हुआ है अभी। क्योंकि हमने दाल के टाइम जो पानी इस्तेमाल नहीं किया था वो है, उसके साथ हमने दाल को बहुत ही अच्छे से भुना है। तो सारे पॉइंट इतने ही मायने रखते हैं। आप जब हलवा बनाते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए, एक एक टिप्स का ध्यान रखिएगा, एक एक ट्रिक का ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ इसके सब्स्टिट्यूट का भी ध्यान रखिएगा। खोया नहीं है तो मलाई यूज़ कर लीजिए। चीनी डालने की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर निकला हुआ है तो हलवा थोड़ा सा हमारा पतला हो गया है, इसे हल्का और सेक लेते हैं हम। हार्डली 2 मिनट के लिए सेकना है चीनी डालने के बाद, हलवे को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, वरना इसमें होता क्या है कि हलवा हमारा चुई सा हो जाता है, क्योंकि चीनी जितनी हमारी सिकती जाएगी उतना हार्ड होती जाएगी। तो इसको अब हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं सेकना है। घी निकलना बाहर आ गया है क्योंकि हमने घी डाला था, उसी के साथ मलाई भी डाली थी। तो हलवा बनकर हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं घी भी कैसे बाहर आ गया है। तो आइए इस हलवे को जल्दी से सर्व कर लेते हैं। टेक्सचर बिल्कुल हमारे जिसे चाहिए था वैसा आया हुआ है, उसी के साथ कलर भी वही है, खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो मुझे बहुत ही अच्छी आ रही है। बता इसलिए नहीं सकती हूँ क्योंकि आपको फील नहीं करवा सकती ना। तो आइए जल्दी से इसे सर्व कर लेते हैं अब। तो लीजिए, रेडी है हमारा मूंग दाल का हलवा, घी भी इसके ऊपर आ गया है, उसी के साथ टेक्सचर कलर बिल्कुल वही है हलवाइयों वाला। बहुत ही आसान था बनाना और उसी के साथ मैंने आपके साथ बहुत एंजॉय किया है, जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की है। हल्की हल्की सी ट्रिक्स के साथ ये हलवा बनाया जाए तो और भी आसान हो जाता है, रिजल्ट और भी बेटर मिलता है, तो मज़ा आता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे और गार्निश कर रही हूँ मैं, थोड़े से पिस्ताचियोस। बिल्कुल वही टेक्सचर के साथ, उसी के साथ इतना सीका हुआ और साथ में इतना खुशबूदार हलवा, घी तो देख लीजिए आप बिल्कुल बाहर की तरफ आ गया है। तो बनाइए इसे और एंजॉय जरूर कीजिए नए साल की शुरुआत में हलवे के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।